हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंदुच किचन। आज हम बनाएंगे हल्दी की सब्ज़ी। सर्दी की सीज़न आ चुकी है, सर्दियों के लिए स्पेशल है हल्दी। यदि मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हल्दी की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम हल्दी को छील के ग्रेट करके रखा है। उसमें फूल गोभी को मैंने काट के इस साइज़ में काटा है और बॉईल करके एक्स्ट्रा पानी निकाल के रख दिया है। और मटर छील के रखे हैं और लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बना के रखा है। और गार्निशिंग के लिए हरा धनिया लिया है। दही भी मैंने 300 ग्राम लिया है। और सूखे मसालों में धनिया पाउडर, मिर्ची, जीरा, राई और हींग लिए मैंने। ये सब्जी बनाने के लिए मैंने गैस पे कड़े में घी गर्म करने के लिए रख दिया है। घी मैंने इस चम्मच से 6 चम्मच लिया है। घी अच्छी क्वांटिटी में लेना पड़ता है। जीरा, राई, हींग डाल दिए मैंने। पेस्ट डाल देंगे इसमें, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया मैंने। अब इसमें हल्दी डाल देंगे। आंच धीमे करके 2 मिनट के लिए हल्दी को अच्छे से इसमें फ्राई करेंगे। इसमें मटर और फूल गोभी डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैं नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिए। मैं 1.5 चम्मच डाला नमक। एक बार अच्छे से मिक्स करके आंच धीमी कर देंगे और 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। एक बार सब्जी को चेक कर लेंगे। अब इसमें धनिया पाउडर, मैंने 3 चम्मच डाला धनिया पाउडर। और लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच डाला मैंने। अच्छे से मिक्स कर देंगे। सब भी मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें दही डाल देंगे। दही को अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। इसमें 2 चम्मच पानी डाल देंगे और सब्जी को अच्छे से मिक्स करके 15-20 मिनट के लिए दही में पकाना है सब्जी को। जब तक एकदम दही गाढ़ा ना पड़ जाए और घी अच्छी तरह से ऊपर ना आ जाए अपना, बस ढक के रख देंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे हर 2 मिनट बाद। एक बार अच्छे से मिक्स करके ढक्कन दे देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। सब्जी को एक बार चेक कर लेंगे। यूँ मैंने बीच बीच में सब्जी को चलाया था। देखिए घी की लहर ऊपर आ चुकी है अच्छे से और दही भी देख गाढ़ा पड़ चुका है। इसको बंद करके ढक्कन देके 5 मिनट के लिए रख देंगे। अब इस तैयार हल्दी की सब्जी को हरा धनिया डाल के गार्निश कर दिया है। यदि आप चाहो तो हरी पत्ती वाले प्याज से भी गार्निश कर सकते हो। इस हल्दी की सब्जी को आप 15-20 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हो, क्योंकि अच्छी क्वांटिटी में घी होता है, ख़राब होने का डर नहीं होता है। यदि मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।